अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ कंकड़खेड़ा के भूमाफिया अखिलेश गोयल के काले कारनामों की आंच भाजपा नेता व संयुक्त व्यापार संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज मित्तल पर भी आ गई है। 500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को बेचकर अरबपति बने अखिलेश गोयल एंड गैंग के अत्याचारों से विवश होकर वृद्ध के जहर खाने मामले में नीरज मित्तल को भी नामजद किया गया है। नीरज मित्तल पर आरोप लगाया गया है कि उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ पीड़ित परिवार को धमकाया, बेइज्जत किया, बल्कि कंकड़खेड़ा थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होने दी। इस पर ही मृतक की पुत्रवधू ने एडीजी व आईजी का दरवाजा खटखटाया था। तब करीब 3 साल बाद कंकड़खेड़ा थाना पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इसके विरोध में आज भाजपा नेता नीरज मित्तल ने दलबल के साथ मेरठ एसएसपी से मुलाकात की। बाहर आकर नीरज मित्तल व व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने दावा किया कि जिस नीरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है वह कोई और है, नीरज मित्तल नहीं है, नीरज मित्तल की गिरफ्तारी नहीं होगी। वहीं पीड़ित परिवार के अधिवक्ता ने दावा किया कि यदि रिपोर्ट में शुरू में ही नीरज मित्तल का नाम खोल दिया जाता तो जैसा 3 साल में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी गई वैसे ही बीती रात भी होता। दरअसल 500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन बेचकर अरबपति बना मेरठ कंकड़खेड़ा का भूमाफिया अखिलेश गोयल और उसके गैंग के एक के बाद एक काले कारनामे खुलकर सामने आ रहे हैं। गोयल गैंग कितना प्रभावशाली है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक विवश वृद्ध ने धोखाधड़ी से जमीन कब्जाने पर जहर खाकर जान दे दी। मृत्यु पूर्व वीडियो में बयान भी दिया, लेकिन इस गैंग के खिलाफ कंकड़खेड़ा थाना पुलिस ने न्याय दिलाने तो दूर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े इस पीड़ित परिवार की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। अब जांच उपरांत अखिलेश गोयल, सचिन गुप्ता व नीरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस बारे में आज एसबीसीटी पीयूष सिंह ने फर्स्ट बाइट टीवी को यह जानकारी दी। ये थाना कंकड़खेड़ा में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है जो ग्राम नगला ताशी से संबंधित है। लगभग 3 वर्ष पूर्व कमल सिंह नाम के एक व्यक्ति के द्वारा कोई पॉइजनस सब्सटेंस खाकर आत्महत्या कर ली गई थी। मृत्यु से पूर्व उसके द्वारा एक बयान दिया गया था जिसकी रिकॉर्डिंग की गई थी, जिसमें स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर अखिलेश गोयल के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि उसके द्वारा फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम से करा ली गई है और पूरा पेमेंट नहीं किया जा रहा है। उस वीडियो के संज्ञान लेते हुए मृतक कमल सिंह की पुत्रवधू अमरेश देवी की तहरीर पर थाना कंकड़खेड़ा में अभियोग पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी दौराला के द्वारा की जा रही है। इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। कितना आरोप FIR में 3 नामजद किए गए। वहीं इस बारे में नीरज मित्तल ने फर्स्ट बाइट टीवी को यह बताया। आज अखबार के माध्यम से पता लगा है कि एक हमारे कंकड़खेड़ा में मामला चल रहा है अखिलेश गोयल वाला, तो उसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है भूमाफिया अखिलेश गोयल और नीरज मित्तल, जिसमें जो प्रकरण पता लगा है उसमें किसी बुजुर्ग ने आज से 4 साल पहले कोई उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी पुत्र वधू ने कोई वो लगाया आरोप, तो उसमें मेरे मतलब ये लिखा कि नीरज स्थानीय नेता, तो उसमें तो FIR में तो इतना ही है, लेकिन अखबार के माध्यम से ये पता लगा, तो मेरा मतलब मैंने भी पढ़ा कि उसमें नीरज मित्तल लिखा गया, तो हम उस चीज को लेकर SSP साहब के पास आए थे कि हमारा उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, उसमें कोई नाम नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है, ये एक राजनीतिक प्रण के तहत कि जिसने भी ये कार्रवाई करी है वो छेड़छाड़ करी है उसके लिए हम SSP साहब से मिलना आए थे। SSP साहब ने कह दिया है, साफ साफ कहा है उन्होंने कि ये नीरज कोई और है, आपको कोई इसमें मतलब नहीं है, और कोई अगर कोई बात ऐसी होती तो हम आपसे पहले बातचीत करते, पूछताछ करते, अगर आपका नाम होता तो मतलब मेरे नाम के लिए साफ साफ मना कर दिया कि इसमें आपका नाम नहीं। वहीं SSP से मुलाकात कर बाहर निकले संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने मीडिया को यह बताया। हम कप्तान साहब से आज हमने समाचार पत्रों में एक समाचार पढ़ा था जिसमें एक कोई थाना कंकड़खेड़ा में किसी भूमाफियाओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसमें हमारे संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारी का नाम लिखा गया था, उसके संदर्भ में हम कप्तान साहब से मिलने आए, तो कप्तान साहब ने स्पष्ट किया कि वह जो अखबार में नाम लिखा नीरज मित्तल, नीरज मित्तल नाम के आप निश्चित रहें, संयुक्त व्यापार संघ के उस पदाधिकारी का कोई नाम नहीं है, ये कोई नीरज नाम का अन्य व्यक्ति है, ये भ्रम हो गया है, आप निश्चित रहें कोई कार्यवाही नहीं होगी, और ये सब भ्रम के कारण से ऐसा हुआ है, नीरज मित्तल जो नीरज नाम लिखा है वह नीरज मित्तल आपके व्यापार संघ के पदाधिकारी नहीं है, हमने उनको स्पष्ट कर दिया है कि आप अखिलेश गोयल के खिलाफ कार्रवाई करें, किसी के खिलाफ कार्रवाई करें,
संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारियों का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए संयुक्त व्यापार संघ के किसी पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि नीरज मित्तल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। नीरज मित्तल कौन है जिनका कोई गया है? कोई पता नहीं कौन है हमें, नीरज कंकर केड़ा में और भी कोई हो सकते हैं, मित्तल नहीं है वो, नीरज है केवल, कोई नीरज है हम कह नहीं सकते। पीड़ित परिवार के अधिवक्ता राम कुमार शर्मा ने यह बताया। देखिए 2019 में घटना होती है, एक कमल सिंह नामक रेलवे का रिटायर कर्मचारी था, दलित समाज से था, उसकी जमीन को अखिलेश गोयल और उसके जो अन्य लोग मिलकर जो है उससे धोखाधड़ी करके उसको उससे ले लेते हैं, जैसा कि वादी ने बताया, वादी मुकदमे ने बताया, और बाद में उसके पैसे देते नहीं है, उसकी जमीन कब्जा लेते हैं। वो कई बार लोगों से अपने पैसे वापस पैसे लेने की मांग करता है, अपनी जो जमीन की मांग करता है नहीं उसको देते। परिणाम ये होता है कि तंग आकर परेशान होकर, और ये उसको धमकाते भी है, कहते हैं तुझे जो करना कर ले, वो ये कहता है मैं मर जाऊंगा, बोले मर जा, मरना तो मर जा, ठीक है ना। तो ये इनका प्रकरण रहा, वो प्रकरण निराश होकर इनसे हतोत्साहित होकर इनके जो जुल्म रहे उस समय, जो जुल्म करे इन लोगों ने, उससे प्रोत्साहित होकर वो आत्महत्या कर लेता, जहर खा लेता, जिसकी की वीडियो बयान मौजूद है। वीडियो बयान में उसने सीधा सीधा आरोप लगाया लोगों के ऊपर, इनके नाम लिए। अब वीडियो में जो वीडियो जो आया हुआ है, जो मेरे पास एक पार्ट वीडियो का है, तो उसमें ये अखिलेश गोयल वगैरह सबको बताता हूँ कि ये लोग उसके अंदर शामिल रहे हैं, इन्होंने इसकी भूमि ली थी, उसके सब एग्रीमेंट मैदान वगैरह सब रखे हुए एग्रीमेंट है। मैं उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में उसका परिवार लगातार थाने में दरखास्त देता है, कोशिश करता है कि मुकदमा दर्ज हो जाए, और वो तीन लोग मुकदमे के वो प्रार्थना पत्र देते हैं, अखिलेश गोयल, सचिन गुप्ता और नीरज। नीरज कौन? अब जो मुझे बताया है वादी मुकदमे ने, जो मुझे बताया है नीरज जो है ये नीरज मित्तल ही है। कौन है नीरज मित्तल? नीरज मित्तल जो है ये वहां के व्यापारी नेता है, बड़े प्रमुख लोगों में है। तो जो मुझे बताया है वादी ने, वो ये लोग नीरज मित्तल वही है जो व्यापारी नेता है और भाजपा का प्रभावशाली व्यक्ति है। वकील साहब, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज है और इसमें कितनी सजा है मैक्सिमम? अरेस्टिंग पहले है या इन्वेस्टिगेशन के बाद? 306 में मुकदमा दर्ज है, 506 में, और एससी एसटी में अब तो 10 ईयर्स तक की इसमें सजा है, ठीक है। तो ये तो मुकदमा दर्ज है, लेकिन इसमें जो एफआईआर के जो कंटेंट है, जो एफआईआर में जो लिखा हुआ है उसमें वो सेक्शन बढ़ेंगे, 420, 467 भी बढ़ेगी, ये सब बढ़ने चाहिए। मैंने की बात ये है कि देखिए मृत्यु के 3 साल बाद ये मुकदमा लिखा जा रहा है, तो ये इतने प्रभावशाली है कि इन्होंने मुकदमा पंजीकृत नहीं होने दिया। और सुनने में बताया जाता है इनके द्वारा कि थाने को भी यही ऑपरेट कर रहे थे, यही ऑपरेट करते हैं, इनके बगैर कुछ वहां पर होता नहीं है। तो अब ये उच्च अधिकारी नॉलेज में आया, एडीजी जोन राजीव सपरवाल जी की नॉलेज में आया, आईजी नेतवार, आईजी प्रवीण कुमार नॉलेज में आया। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।